भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को खेला गया दूसरा वनडे मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। इस मैच में सिर्फ 12 ओवर का खेल हो पाया, लेकिन इस मैच में भी विवाद हो गया। टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 से संजू सैमसन को बाहर कर दिया था और इसी के बाद से तमाम सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट ही रहा था कि अब ये मामला कतर में जा पहुंचा है। जी हाँ, अब फीफा वर्ल्ड कप के बीच में भी संजू सैमसन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को कुछ फैंस की तस्वीरें शेयर की, जिसमें फैंस कतर में वर्ल्ड कप देखने गए हैं और वहां संजू सैमसन के समर्थन में पोस्टर लहराए जा रहे हैं। फैंस ने पोस्टर पर लिखा है कि कतर से आपको ढेर सारा प्यार, हम आपको समर्थन करते हैं संजू सैमसन। आपको बता दें कि इस दौरे पर यह दूसरी बार हुआ जब संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया। T20 सीरीज में भी कप्तान हार्दिक पांड्या ने संजू को ड्रॉप किया था, जिसके बाद उन्होंने बॉलिंग ऑप्शन का तर्क दिया था। इसके बाद अब दूसरे वनडे में भी कप्तान शिखर धवन ने संजू सैमसन को ड्रॉप किया और तर्क वही था कि उन्हें गेंदबाजी करनी नहीं आती। शिखर धवन ने भी संजू सैमसन को ड्रॉप करने का मेन तर्क बॉलिंग ऑप्शन दिया। रविवार को हुए इस मैच में संजू सैमसन की जगह दीपक हुड्डा को प्लेइंग 11 में खिलाया गया। कप्तान शिखर धवन ने कहा कि हमें छठे बॉलिंग ऑप्शन की तलाश है, जिसकी वजह से दीपक हुड्डा की प्लेइंग 11 में एंट्री हुई। बता दें कि अंडर 19 के समय से ही संजू सैमसन एक सेंसेशन बनकर आए हैं। जब से संजू ने क्रिकेट जगत में बड़े स्तर पर खेलना शुरू किया है, वो हमेशा से एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ वजह देकर उन्हें टीम से बाहर रखा जाता है और ऐसे में सारी दुनिया के क्रिकेट फैंस संजू के सपोर्ट में उतर चुके हैं। बहरहाल, संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए या नहीं, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक डिजिटल। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा, करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात, देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।